नमस्कार, एराइज न्यूज में स्वागत है आपका। तो पेश है आज की अहम खबरें। आस्था के महापर्व छठ को लेकर दुर्गापुर समेत पूरे शिल्पांचल में वातावरण छठमय हो गया है। 2 नवंबर को पहला अर्घ दिया जाएगा, जिसके लिए विभिन्न घाटों पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आसनसोल और दुर्गापुर के मेयर खुद पूरी तैयारियों पर नजर रख रहे हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरे शिल्पांचल में आसनसोल दुर्गापुर हर इलाके में छठ व्रतियों की सुविधा के लिए राज्य के मुख्यमंत्री के निर्देश पर हर छठ घाट में साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है, लाइट की व्यवस्था की जा रही है। जो महिलाएं छठ व्रती हैं वो कपड़ा चेंज करने का जो रूम वगैरह होता है वो किया जा रहा है, कैंप लगाया जा रहा है। छठ जाने के जो रास्ते हैं उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है, जिससे जो छठ व्रतियों में किसी भी तरह का सुविधा न हो। जो भी सुविधाएं हैं, जरूरत है, वो सब कुछ किया जा रहा है। और सर्वोपरि आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री के द्वारा छठ पूजा के लिए इस बार एक दिन अतिरिक्त छुट्टी की भी घोषणा की गई है, जिससे कि छठ व्रतियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। वहीं आसनसोल दुर्गापुर के पुलिस कमिश्नर DP सिंह, दुर्गापुर ईस्ट के DCP अभिषेक गुप्ता और दूसरे अधिकारी विभिन्न घाटों पर नियमित रूप से सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। क्षेत्र की विभिन्न छठ समितियां छठ पूजा की तैयारियों को अंतिम रूप दे रही हैं। इस हिसाब से हम लोग अपने समय के हिसाब से लगे हुए हैं, प्रयास में लगे हुए हैं कि हम समय पर पहले अपने व्रतियों को, अपने डिवोटीज को हम कम्प्लीट करके बिल्कुल दे देंगे। सबसे बड़ा सहयोग हमारा पुलिस प्रशासन का यहाँ रहता है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 70-75 पुलिस कर्मी यहाँ पर आके हमारा पूरा हर काम में सहयोग करते हैं, सहयोग देते हैं और सेफ्टी पूरा ध्यान रखते हैं, खड़े रहते हैं। किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए लोग सब समय हमेशा अग्रसर रहते हैं। और हमारे यहाँ के SDM जो भी है उनका भी बहुत धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने इसका संज्ञान लेकर पानी भराई का काम शुरू कराया DSP से। और प्रशासनिक तौर से भी हम लोग को हर साल प्रशासन से या SDM से बहुत ज़्यादा मदद मिला है, कोऑपरेशन मिला है। कहीं भी असुविधा है तो वो हमारे पीछे हमेशा खड़े रहे। उधर पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री मलय घटक ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो छठ व्रतियों की पूजा और सुरक्षा को लेकर कोई कोताही ना बरतें। साथ ही उन्होंने सभी छठ व्रतियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। छठ पूजो हमारे शिल्पांचले खूब व्यापक है। छठ पुण्यार्थीरा छठ पूजो पालन करे। छठ पूजो उपलक्षे आसनसोल दुर्गापुर शिल्पांचले समस्त आदिवासी हमें शुभेच्छा जानाच्छी। गौरतलब है कि आसनसोल, कुल्टी, पांडेश्वर, पानागढ़, रानीगंज, अंडाल, दुर्गापुर आदि विभिन्न इलाकों में छठ पूजा होती है, जहां लाखों की संख्या में छठ व्रती इकट्ठे होकर पूजा करते हैं। हमारे इस घाट पर सांसद, विधायक, पार्षद, समाज सेवी, हर वर्ग के लोग यहां आते हैं। मुस्लिम लोग भी आते हैं, सिख लोग भी आते हैं, हर संप्रदाय के लोग आते हैं और बड़े सुख शांति से हम लोग पूजा करते हैं। हमें एखे एक जो नागरिक आगामी दिन विगत दिन जो करे गे ए बचर हमें से भावे एक ही भाव काजकर्म करूँ।